नमस्कार किसान भाइयों, आज फिर से मैं आपका मित्र जितेंद्र सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रामपुर, तहसील टांडा, ग्राम पीपली नायक से अपने चैनल पर एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ, सोलर वाटर पंप 2 HP DC मोनोब्लॉक की। तो जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया कि अपने चैनल पर मैं सोलर पंप से रिलेटेड या सोलर से रिलेटेड जानकारी देता हूँ। मेरा चैनल है JS राजपूत सोलर पंप एंड सोलर टेक के नाम से। तो आजकल सभी लोग जानते हैं कि डीजल के रेट कितने बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और सिंचाई करने में जो हमारी ज़्यादा पानी वाली फसलें हैं उनमें मतलब बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है। तो आज मैंने एक नई साइट चालू की है, अभी आज 24 तारीख है, 24 अप्रैल 2021 को एक नई साइट चालू की है। ये हमारे ये भाई हैं, हमारे पास के ही हैं, पड़ोस के, तो उनका ये मछली पालन है, यहाँ पे तालाब है, ये अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो नई साइट चालू की है मैंने, ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने 300 वाट के 6 पैनल लगाता था, तो यहाँ पे मैंने 250 वाट के 8 पैनल लगाए हुए हैं, 25×8=200, यानी कि टोटल 2 kW पावर मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। और 2 HP जो DC मोनोब्लॉक सोलर वाटर पंप होता है वो मैंने इंस्टॉल यहाँ पर किया है। और इनका मछली पालन है, ये कह रहे थे कि भैया मेरा तो बहुत ज़्यादा डीजल लग रहा है इसमें और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यार, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रोज़ पानी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा डीजल फूकता है, तो मुझे कुछ ऐसा। तो इनको जानकारी दी गई कि आप ये लगा लो, तो आज देखिए ये चालू किया है और इनका जानते हैं कि इनका व्यू इसके बारे में क्या है। यहाँ देखिए 250 वाट के 8 पैनल लगे हुए हैं, 25×8=200, और सीरीज कैसे बनाते हैं सब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बताई हुई है, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है बना करके। यहाँ पर ये देखिए दो तार जा रहे हैं, एक ये रेड वाला पॉजिटिव और ब्लैक वाला नेगेटिव, ये यहाँ पर ये यहाँ से होके जा रहे हैं, और ये पंप की और उसकी दूरी लगभग 15 से 20 मीटर है, 15-16 मीटर है पंप की और पैनल की दूरी। यहाँ पर ये चल रहा है, दिखाता हूँ, ये यहाँ पर देखिए 2 HP का DC मोनोब्लॉक सोलर वाटर पंप जो रोटोसोल कंपनी का वो चल रहा है। तो पहले भी कई बार वीडियो मैंने डाली हुई है चैनल पे, और यहाँ पर ये इनका मछली पालन है, देखिए यहाँ पर ये मछली पालन है, ये तालाब में पानी चल रहा है, ये यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। तो आप इसको जिसमें भी जैसे कि खेती की सिंचाई करनी है या मछली पालन है, एक जगह पे लगा के आप इसको चला सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये इसके ऊपर 2.25 इंची का पाइप है अभी, और ये इतना पानी दे रहा है, देखिए पूरा फोर्स का पानी है, प्रेशर का एकदम। हमारे यहाँ जो वाटर लेवल है ये लगभग 40 फीट, 35 या 40 फीट बोरवेल की गहराई है, और लगभग 30 फीट पर वाटर लेवल है, और उस पर ये अभी चल रहा है। तो चला करके दिखाते हैं ये इसको, भैया एक बार बंद करके चलाना इसको दोबारा से MCV। ये देखिए ये हमारे अंकल जी है, इन्हीं के हमने यहाँ पे तालाब पे लगाया हुआ है, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अंकल जी बताइए कैसा है मोटर का परफॉर्मेंस? बढ़िया है। खुश हो आप? हाँ खुश हैं। तो देखिए ये अभी चला करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये MCV बीच में लगाई हुई है, ये देखिए, और ये यहाँ पे चल रहा है। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये जो पंप है ये DC है, DC मोनोब्लॉक, ये विदाउट कंट्रोलर चलता है डायरेक्ट, कोई ड्राइव नहीं, कोई डिवाइस नहीं, कोई DC पंप है, पैनल DC करंट बनाता है, खाली बीच में एक चेंज ओवर लगाना है यानी MCV ऑन ऑफ के लिए, और उससे आपको इसको चलाना है। तो पूरा दिखाया कि ये वायर आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए, और पैनल हमने वो लगाया हुआ है, मैंने बताया लगभग 15-20 मीटर की दूरी है पैनल की और मोटर के बीच में, और ये वायर आ रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर वायर आया ये हमारा, और ये देखिए चेंज ओवर MCV लगा हुआ। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये तालाब पे लगी हुई है मोटर यहाँ पर दोस्तों, और ये मछली का, तो जैसा कि मैं बता रहा था ये तालाब पे यहाँ पर मोटर लगाई हुई है और मछली पालन है यहाँ पर ये, और ये यहाँ पर इनकी खेती भी है, इसकी सिंचाई करते हैं इससे, और बता दिया था यहाँ पर ये पैनल वो लगे हुए हैं, और दूरी कितनी है यही बता दिया था, और ये चल रही है, ये चेंज ओवर लगा हुआ है बीच में, और देखिए इसी से ऑन ऑफ है बिना किसी कंट्रोलर के, ये चला कर दिखा रहे हैं यहाँ पर, अभी दिखा दिया। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया पानी दे रही है, 2.25 इंची के करीब इसका अभी डिस्चार्ज है, और फोर्स का है पूरे, और यहाँ पर बोरवेल है, ये मछली पालन है। तो किसी भी किसान भाई को इसके बारे में जानकारी चाहिए या मछली पालन के लिए ये लगवाना हो तो मुझे कांटेक्ट करें, मैंने अपनी पिछली वीडियो में नंबर बताया हुआ है अपना, मेरा वहाँ पे वीडियो देखें और नंबर निकालें और मुझसे कांटेक्ट करें,
किसी को लगाना हो तो मैं लगवा दूंगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं कि डीजल के रेट कितने बढ़ गए हैं और पानी वाली खेती में कितनी ज़रूरत होती है पानी की। तो धन्यवाद किसान भाइयों हमारी वीडियो देखने के लिए, इसी प्रकार बने रहे हमारे चैनल के साथ। और यहाँ पर चल रहा है 2 HP DC मोनोविलोक सोलर वाटर पम्प विदाउट कंट्रोलर, किसी भी कंट्रोलर के विदाउट कंट्रोलर चलता है डायरेक्ट पैनल से, और कितना अच्छा चल रहा है आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर। पैनल की तो बना ली चलिए।